हाय फ्रेंड्स, आज मैं गेहूं के आटे से तंदूरी रोटी बना रही हूं, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहां पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया जिस चीज़ से मिलाने के लिए 1/4 कप दही ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब हम गुनगुने पानी से थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करते हुए सॉफ्ट डो बनाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। हम थोड़ा सा पानी हाथ की पिछली सतह पे लगाएंगे और अच्छे से हथेली का जो पिछला हिस्सा है उसकी मदद से हम आटे को नीट करेंगे। तो हमारा बन के तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम इस आटे से छोटे छोटे पेड़े बना के रख लेंगे। इतने आटे में 5 तंदूरी रोटी तैयार होगी। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इस थोड़ा सा खुश्क आटा सबसे पहले हम लगाएंगे और इसे रोल करेंगे। जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी ठीक हम इसे बेलेंगे। यहाँ पर हम ऊपर की जो सतह है उस पर थोड़ा सा पानी अब लगाएंगे और तवा मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। अब जो ये गीली सतह है उसे हम तवे पे नीचे की तरफ रखेंगे और 30 सेकंड इसे ऐसे ही पकने देंगे। 30 सेकंड के बाद हम तवे को आंच के ऊपर पलट देंगे और हर तरफ से घुमाकर हम रोटी को सेकेंगे। हर साइड से देखिए इस तरह से घुमाना है ताकि ये हर तरफ से पक जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकने के लिए। तो देखिए रोटी हमारी तंदूरी रोटी एक तैयार हो गई है। ऊपर की सतह पर हम थोड़ा सा बटर या घी अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गई है। बाकी की सारी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। निकाल लेते हैं इसे प्लेट में।